आज कल कोई भी सिंगर बन जाता है, क्लासिकल सिंगिंग कहीं भी डिमांड में नहीं है, और फ्लैट गा दिया या मशीन आ गई है, उनसे आप लाइन कह दीजिए वो गाना बन जाता है। तो कितना आसान हो गया एक अच्छा सिंगर बनना, या फिर कितना मुश्किल हो गया अपनी गायकी को निखारना? नहीं, सिंगर बनना तो बहुत आसान है और अच्छा सिंगर बनना बहुत मुश्किल है जी। तो अच्छा सिंगर अगर बनना है तो सीखना पड़ेगा, अच्छी तरह रियाज करके आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वही साल दो साल नाम रहेगा, ख़त्म हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि सीखिए, मेहनत करके आइए और फिर मरते दम तक गाइए। जगजीत सिंह जाते जाते गा रहे थे, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, जिन लोगों ने सीखा, मेहनत की, वो तब तक गाते हैं जब तक वो रहते हैं। तो ज़रूरी है कि मेहनत कीजिए और फिर इस क्षेत्र में आइए। आज नई साउंड थी, कैसा लगा आपको गाना? बहुत अच्छा, बहुत मेलोडियस है और सुन के याद हो जाता है एक बार में, क्योंकि वो बड़े भाव से गाया गया है, बहुत अच्छी म्यूज़िक भी है उसकी। तो इस तरह के म्यूज़िक की लंबी ज़िंदगी है, लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं, और बड़ा अच्छा उसका वीडियो भी बनाया है, वो भी मैंने देखा। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं कि खूब सक्सेस हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बदलते दौर का, जो म्यूजिक का हमेशा एक नई साउंड सुनते हैं और वो चलती है? म्यूजिक में बदलाव बहुत ज़रूरी है, नए नए साउंड आने चाहिए, और वो नए साउंड आते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो कुछ और नया करो, क्योंकि नई चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हमें याद है उन दिनों के गाने कि होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद डिंग 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 डिंग, तरह तरह का उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे। ऐसे न जाने कितने गाने कि आपको उसके बीच का म्यूज़िक भी याद है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए वो भी याद है। तो वही है कि नए साउंड आते रहें, वो देर तक रहेंगे, और उसी तरह नए नए एक्सपेरिमेंट करने का लोगों को मन होता रहेगा। जी अनुज जी, जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते थे वो बजने बंद हो गए, अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, लोग कॉपी पेस्ट करने लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ऐसा है कि जब डेवलपमेंट आता है ना, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ के ही होता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो ये सब होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें लोगों के मन में बसी हैं, जिनमें गहराई है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें मेहनत नज़र आती है, वो भी अपनी जगह रहेगा, और हर तरह का म्यूज़िक जो है वो एक्सेप्ट होगा। अनुप जी, जैसा कि आपने कहा कि बदलाव ज़रूरी है, अगर ऐसे ही गाने अगर आपको ऑफर होते हैं, फिल्मी गाने, तो आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर गाएँ। अभी हमने गाया है, फिल्म हैप्पी सिंह आ रही है, उसमें मैंने एक इसी तरह का गाना गाया है, जो बड़ा मेलोडियस है, बहुत अच्छा है। आप कोई भी गाना गाते हैं तो वो एक थोड़ा भजन की तरह साउंड करता है, इसके बारे में क्या? वो एक्चुअल क्या है कि लोगों की इमेज ऐसी बनी हुई है, लोग हमारा कुछ सुनते हैं तो उनको जब मेरा नाम ध्यान में आ जाता है तो उनको लगता है ये भजन ही होना चाहिए, चाहे वो गज़ल क्यों ना हो, ये हो जाता है। दूरियाँ जो हैं वो नज़दीकियाँ हो जाएँ, यही चाहते हैं, दूरियाँ ना रहें। बहुत अच्छा गाना है, इट्स आदित्य हैज डन वेरी वेल, द म्यूज़िक एंड सिंगिंग इज very very well done. The video is class touch because it's white, total white color scheme है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैंने शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। चंपक जी के साथ हमने बहुत काम किया है, इज वेरी क्रिएटिव मैन। वीनस कंपनी ने हमारे देश में म्यूज़िक को बहुत पॉपुलर किया है, हमारा रिलीजियस म्यूज़िक को बहुत ही पॉपुलर किया है, पूरी रामायण हमने उनके साथ रिकॉर्ड करी, पूरी भगवद गीता की, और दो दो तीन तीन साल रिकॉर्डिंग चलती थी। तो इतना कुछ वही कर सकता है जो इस काम को पसंद करता हो, और बिना कंपनी नहीं कर दिखा। अनुप जी, दिवाली के लिए कुछ अपने व्यूअर्स से कहना चाहिए? दिवाली मुबारक हो, आप लोगों को ज़िंदगी में जो कुछ नहीं प्राप्त हुआ इस दिवाली में प्राप्त हो जाए, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। और दिवाली के मौके पर एक शेर आपको सुना देता हूँ। एक लड़का अपनी महबूबा को कहता है कि दिवाली के मौके पर तुझे क्या पेश करूँ, दिवाली के मौके पे तुझे क्या पेश करूं, तू तो खुद ही एक पटाखा है। ओके जी, थैंक यू। दीपावली मुबारक हो, भगवान से प्रार्थना है कि जो कुछ आप आज चंपक
क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूरियां बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि कभी मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको करने के लिए भी, और मैं सबसे पहले मुझे खुशी है कि आदित्य के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। दे दनादन का टाइटल ट्रॉक मेरी कंपनी के लिए इन्होंने किया है, कुश्ती के लिए गाना किया है। तो दूरियां मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तो मुझे रोमांटिक गाना करना था, और आदित्य को मैंने मतलब पूरी तरह से निचोड़ लिया था कि तू मुझे सुना। इतना इन्होंने मुझे इतने गाने सुनाए हैं, इतने गाने सुनाए हैं कि मतलब ये थक जाता था कि चंपकी आप सेलेक्ट कब करने वाले। तो मैंने इसको बोला था कि पैशन से हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और जब ये दूरिया गाना इन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इनकी मदर ने लिरिक्स लिखे हैं। जब ये गाना ख़त्म हुआ उसके बाद हमें ऐसा लगा कि अब इसका वीडियो खूबसूरत बनना चाहिए, तो उसके लिए जो मिस्टर रॉय ने इतना खूबसूरती के साथ उसको प्रेजेंट किया है और उसको इतना अच्छी तरह से शूट किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यस इट इज़, इट्स इज़ वेरी बिग। यस अभी यू नो मैं कहना चाहूँगा कि यू नो मिस्टर चंपक इज़ अ गॉड फादर टू मी। हमने वीनस के साथ पहले भी दे दनादन किया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर्स, यू नो 80 बॉयज। तो अभी मैं ये जो एल्बम यू नो आ रही यू नो दूरियाँ इज ग्रेट। लाइक मैं चंपक जी के ऑफिस में जाता था, यू नो आई मेट मिस्टर चंपक एंड मैंने सर को बोला सर प्लीज़ यू नो गिव अस चांस नाउ, लाइक वी रियली नीड योर सपोर्ट। सो इट्स अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू नो फॉर मी एंड और हम आगे भी यू नो वीनस के साथ बहुत काम करना चाहते हैं, और चंपक जी की ब्लेसिंग्स तो हैं ये साथ में। मैंने लाइक यू नो ये गाना जब मैं कंपोज कर रहा था मेरे को पता नहीं था कि ये ऐसा निकल के आएगा और वीडियो भी इसका ऐसा बन जाएगा। इट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड दैट सो मेनी बिग लेजेंड्स वर देयर इन दिस लॉन्च एंड और चंपक जी की ब्लेसिंग्स तो हैं ये, और आई एम सो ऑनर्ड एंड यू गाइज कीप रॉकिंग एंड प्लीज लिसन दिस सॉन्ग ऑन यूट्यूब and subscribe to Venus channel www.youtube.com/venus. So don't miss to watch the music video and please share it as much everyone as to everyone. sure duriyan kam kar de ab rehna jaye हर धड़कन है तेरे लिए, तो सुन के आ जा पास मेरे, हम तुम्हारे तुम हमारे क्यों खड़े हो उस किनारे, हम तुम्हारे तुम हमारे क्यों खड़े हो उस किनारे। Please share this song as much you can because we really need your support. So please support us to make it a big hit. Thank you. देखिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं चाहता था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त डीप मेलोडी का गाना लोगों को मुझे ये सुनाए, तो इसकी मैंने इसलिए इन्होंने मुझे इतने गाने सुनाए। उसके बाद मुझे इसमें एक जो यंगस्टर के लिए जो पेन नज़र आया इस गाने में, तो मुझे लगा कि इसमें वो पेन है और वो यंगस्टर इसको लाइक करेंगे। तो हर चीज़ जो लिरिक्स में भी आप देखिए तो उसमें भी वो बातें हैं कि भाई दूरियाँ कम कर दे, और कंपोजिशन इतनी मीठी है, तो मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लगा। बाकी के गाने भी इन्होंने और बनाए मेरे लिए, लेकिन ये गाना सबसे खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को, हमारी आज की जनरेशन को ये गाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये गाना चूज़ किया। मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, गाना देखा भी बहुत अच्छा लगा, एक इंटरनेशनल लुक है वीडियो में, और आदित्य ने बहुत अच्छा गाया, वेरी डैशिंग चार्मिंग बॉय एंड बहुत स्मार्टली गाया उन्होंने, एक्टिंग भी अच्छा किया, आवाज़ भी अच्छी है, कॉम्प्लीट इज़ ए गुड आल्बम जी। वीनस कंपनी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट फिल्म मोक्ष बॉलीवुड में वो वीनस से रिलीज हुई। चंपक जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जितना काम किया वीनस के साथ बहुत अच्छा। मेरा हिट गाना कभी नीम नीम वो भी वीनस ने रिलीज़ किया, उससे पहले भी एक एल्बम रिलीज़ किया था मैं तो लुट गई हूँ रामा, वो भी बहुत अच्छा था। और अभी चंपक जी ने जो यूट्यूब में
एक एल्बम शुरू किया सिंगल, वो मुझसे शुरुआत किया उन्होंने, तो इट इज़ ऑनर फॉर मी। बहुत ही अच्छा, एकदम जो नॉर्मल जो ट्रैक आप सुनते हैं उसको कुछ डिफरेंट करके उन्होंने बनाया। टाबुंदा ने बहुत अच्छा अरेंज किया, कमाल का अरेंज किया, और मुझे कहा गया कि हमें उसमें कुछ डिफरेंट चाहिए, तो हमने भी मेहनत किया। तो ये एक बहुत अच्छा एल्बम था, और उसके बाद सिलसिला चंपक जी ने रखा है। चंपक जी इज़ वेरी म्यूजिकल, ऑलवेज हेल्पिंग द पीपल एंड आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे खुशी है कि आदित्य को उन्होंने लॉन्च किया है, और मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू। हम तुम्हारे तुम हमारे क्या क्यों खड़े हो उस किनारे, हम तुम्हारे तुम हमारे क्यों खड़े हो उस किनारे। ये गाना मैंने आज यहाँ के सुना अभी, और मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि इसे बार बार गाऊँ, मेरी ज़बान पे चढ़ गया, तो मुझे लगता है ये सुपर हिट होने वाला है। और शमी जी ने लिखा भी, बहुत सरल लिखा है इसको, तो मैंने गाना देखा भी और सुना भी। आजकल आप गाना देख भी सकते हैं, इतनी हाँ टेक्निक स्ट्रांग हो गई है कि गाना देखा जा सकता है। तो दोनों तरीके से पिक्चराइज भी बहुत अच्छा है, वो खूबसूरत जोड़ी लग भी रही है, उन्होंने गाया भी अच्छा है, म्यूज़िक भी अच्छा है। तो बस वीनस से मेरा हमारा पुराना एसोसिएशन है, तो उनको हम बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। आए एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग छोड़ेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे। बस हमारे लाइव शो ही हो रहे हैं ज़्यादा कॉमेडी का, बाकी कुछ कपिल के शो करता हूँ, बीच में कॉमेडी नाइट बचाओ करता हूँ। बीच में आपने जैकी शॉप के साथ एक सेल्फी भी डाला था ग्रुप में, हमने देखा था वो। वो तो लाइव शो हमारे चलते रहते, न्यूजीलैंड में भी शो था, ये दीपावली के शो चल रहे हैं। ओके ओके, तो उसी के लिए बाहर गए थे जी, तो वही शो हम करके आए हैं। गज़ल का पर्चा बकरी खा गई, गज़ल का पर्चा बकरी खा गई, अब शहर में खबर है कि बकरी शेर खा गई। ओके, तो वैसे आपकी एक फिल्म आ रही है जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, कब तक आएगी और क्या चल रहा है? वो नीचे अभी फिल्म यार फर्स्ट स्टेज पे, थोड़ा और प्रोग्रेस हो जाए, थोड़ा और पिकअप पकड़ ले, अभी एक ही शेड्यूल पूरा हुआ है, फिर उसके हम राज धीरे धीरे खोल। जी जी, वैसे जानना चाहेंगे आपसे, एक पॉलिटिक्स में माहौल बना हुआ है अभी इंडिया में, और आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे SRK के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उनकी बात को मुझे लगता है ठीक से समझा नहीं गया, और शाहरुख पे शक करना अच्छा नहीं है, वेरी मच इंडियन है, भारतीय है, कैसे क्या उन्होंने जोश में बोला मुझे पता नहीं, बेसिकली इज़ ए नाइस जी। सर कहीं ना कहीं ये बात है, ये SRK का नाम निकाला है। आप उनका कोई भी फंक्शन होता है जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो आप अपना एक ट्रैक कब निकालेंगे वीनस के लिए, आपको उनका सुनेंगे? वीनस मेरे जो एल्बम निकालता आ रहा है वो करीब 25 साल से, मैं जब बिल्कुल नया था मुंबई में, नया नया आया था, तो वीनस कंपनी से मेरे जोक्स के कैसेट निकलते थे, पहले ऑडियो ही होता था पहले तो, ये वीडियो तो होता नहीं था, तो तब ये हंसना मना है, हंसते रहो, ऐसे बहुत सारे टाइटल वीनस ने, चंपक जैन ने मेरे किए, तो उसमें बड़े चलते थे, फीट होते थे, तब से हमारी दोस्ती है। तो जब भी कुछ ऐसा नया करते हैं तो मैं ज़रूर आता हूँ, तो शुभकामनाएं जी। अब बाजू दिवाली के क्या कुछ प्लानिंग चले, कितने पटाखे फोड़ने वाले हैं इस बार? दीपावली में अभी गवर्नमेंट भी नए नए पटाखे फोड़ते हैं, अभी देखिए छोटा राजन पकड़ा गया है, और मुझे लगता है दीपावली दिन दाऊद भी पकड़ा जाएगा। तो ये फुलझड़ियाँ फट रही हैं और ये धमाके हो रहे हैं, ये अच्छी खबर है, और लेकिन इस अच्छी ये धमाकों में और फटने में विस्फोट में सबसे यही कहूँगा कि सब लोग मिल के रहें, एक साथ रहें, हिंदुस्तान को टूटने न दें। और आजकल ये पुरस्कार लौटाने का बहुत चल रहा है, पद्मश्री कोई लौटा रहा है, कोई कोई साहित्य एकेडमी लौटा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबको मरणोपरांत देना चाहिए। मरणोपरांत ये पुरस्कार देंगे ना तो लौटाने का लफड़े नहीं रहे, लौटाने वाला कोई होगा ही नहीं, और मैं तो पद्मश्री नहीं लूँगा जी, मैं पद्मश्री लूँगा ही नहीं, और मैं जब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे कोई देगा नहीं। वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब गाना हम लोग सुने हैं तो उस टाइम में गाना तो बहुत अमेजिंग था, बट शूटिंग के टाइम यू नो दो व्यू
वाइट सेट, वाइट ड्रेस, ड्रेसिंग, स्टाइलिंग, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. तो आफ्टर एडिटिंग के बाद व्हेन आई सॉ दिस वीडियो इट वॉज लाइक वाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Like I said, you know, it's an honor to work with Venus, and it's a big, big production house, and the song is really, really nicely sung by Aditya. So the entire feel was really nice. Pura, like she said, white background, white outfits, it was very nice. And Sayan directed the video really, really nicely. So pura ek teamwork tha, from the choreographer to the makeup artist, to the stylist, to the singer, to the production team. Everybody was really nice. Tabhi hamara result acha hai, because team bahut achi thi. So it was really nice working with Sony also and the entire cast. So it was good fun. Thank you. Zaroor. मैं पहले अपने एक गाने की लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो मेरा सुपर हिट गाना है. यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो. यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा. आज मैं यहाँ पर दुआएं देने आया हूँ और अपनी बेस्ट विशेस देने आया हूँ आदि आदित्य जो सिंगर उभरते हुए सिंगर हैं. उनका एल्बम रिलीज़ हुआ है वीनस कंपनी से और वीनस के साथ चंपक जैन साहब के साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है. मेरे बहुत से एल्बम्स वीनस कंपनी से रिलीज़ हुए हैं और ये इट्स लाइक अ फैमिली. वीनस मेरे लिए एक परिवार है और इस कंपनी से आदित्य का ये एल्बम रिलीज़ हुआ है. मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ. बेस्ट ऑफ लक हिम. थैंक यू. मैं आज के इस एल्बम के लिए बहुत बहुत सबसे पहले तो आदित्य जी को और इसके सारे कलाकारों को बधाई दूंगा. जहां तक विनस का सवाल है तो विनस से हमारा शुरू से ताल्लुकात रहा है. यहां तक कि कह सकता हूं कि आज 25 साल का हमारा साथ है. पूरी जैन फैमिली मतलब विनस कंपनी से ही. आज दिलीप सेन, समीर सेन का अगर नाम आप अगर कहीं देखेंगे तो उसमें इनका सबसे पहला नाम आता है. और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि कैसेट बहुत से बहुत चले और आदित्य जी जो नए सिंगर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मुझे उम्मीद है कि विनस के साथ आजकल जितने भी फनकार आए हैं आज तक वो सभी आसमान को छुआ है. मुझे उम्मीद है कि ये कैसेट भी बहुत अच्छा चलेगा. नमस्कार. बेस्ड ऑन आवर फिल्म इट्स बीन अ वीक एंड आई लाइक टू थैंक एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग अस एज अ न्यूकमर. एक फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेल अच्छा लगता है. सबकी तारीफ की गई है फिल्म में. आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू टू द ऑडियंस एंड एवरीबॉडी दैट्स वॉच द फिल्म एंड थैंक्स अगेन. जी आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट. इट्स अ वेरी गुड स्टेप यू गाइज हैव टेकन फॉरवर्ड. दूरिया इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वी जस्ट हर्ड एंड सिंग इट इज वेल एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. इट्स अ गुड स्टार्ट. Thank you. This song is really beautiful and as it is, it says come fall in love. So actually you come fall in love when you hear this song, when you see this song. And Venus has always been promoting, you know, new talent and new people. So I'm very happy and I wish them all the very best. I'd like to first welcome all the delegates, our VIPs, members of the press and all our friends present here at this wonderful